पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। थोड़े दिनों पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को अचानक इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे खत में कहा है कि वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने रहेंगे, वे केवल अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। सिद्धू के इस्तीफा देने की वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि सिद्धू उन्हें सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे थे। इसके बाद मंत्री पद और मंत्रालय बंटवारे में भी सिद्धू की बातें नहीं मानी गईं। मंगलवार को मंत्रालय बांटे गए तो गृह विभाग सुखजिंदर रंधावा को दे दिया गया, जिसके बाद अचानक दोपहर में सिद्धू का इस्तीफा सामने आया है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि वो एक स्थिर आदमी नहीं है, बॉर्डर से जुड़े पंजाब जैसे राज्य के लिए तो बिल्कुल फिट नहीं है। हाल ही में पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन किया गया है। कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जारी विवाद के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को सूबे की कमान सौंपी गई। माना गया था कि पर्दे के पीछे रहकर सिद्धू ने ही पूरा खेल खेला था। कैप्टन के बाद सिद्धू चाहते थे कि वह मुख्यमंत्री बने, हालांकि हाईकमान ने दूसरा फैसला सुना दिया, जिसके चलते सिद्धू नाराज चल रहे थे। वहीं मंत्रियों को मंत्रालय के बंटवारे के बाद अचानक सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, जिससे एक बार पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई फिर से खुलकर सामने आ गई। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अरमिंदर सिंह इस समय दिल्ली पहुंच गए हैं, वह वहां गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद पंजाब की राजनीति में जमकर उथल पुथल मच गया है।